हेलो, मैं मीना हूँ। मेड कुकिंग चैनल में आप लोग का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं ऊँट का बड़ा बनाने। ये हमने मॉर्निंग में भेज दिया था। ये 250 ग्राम है। इसको धुल लिए, अच्छी तरह साफ़ हो गया है। ये एक हरा मिर्चा है और 2 टुकड़ा अदरक है और 2 लहसुन है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे एक मिक्सर के जार में। ये हमारा जार है। तो देखिए, अच्छी तरह हमने पेस्ट बना लिया है। अब एक हम बाउल में निकाल लेंगे इसको। अब स्वाद के अनुसार इस पे हम नमक डाल देंगे। अब अच्छी तरह हम हाथ से मिला लेंगे इसको। तो देखिए, इसको इस तरह से हाथ से खूब अच्छी तरह फेंटना है ताकि ये इसमें स्पंज आ जाए। तो देखिए, हमारा दही है और इसको हम फेंट कर इसका पेस्ट बना लेंगे दही बड़ा में बनाने के लिए। तो अब इसको हम जार में डाल के और अच्छी तरह इसको बना लेंगे। देखिए, अच्छी तरह दही हमारा जम गया है। तो देखिए, हमारा दही है, हमने जार में डाल दिया। इसमें अब हम चीनी डाल देंगे। दोनों को फेंट करके एक पेस्ट अच्छा सा बना लेंगे। तो इसको हम फेंट लेंगे। तो देखिए, हमारा एक पेस्ट अच्छी तरह बन चुका है। अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। तो देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने गैस जला करके रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम चल रहे हैं बनाने के लिए। तो देखिए, अब हम चल रहे हैं बनाने छोटा छोटा बाउल। ये देखिए, हम छोटा छोटा काट रहे हैं एकदम पकौड़ी की तरह। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। तो देखिए, अब हम हल्का हल्का इसको ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा। तो देखिए, हमारा हो चुका है एकदम अच्छी तरह। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, तो देखिए, हमने सारा निकाल लिया है। अब हम ये पानी में डाल देंगे। ये हमारा देखिए एक छोटा सा भगोना है। अब ये सब हम पानी में डाल देंगे। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह ये भीग गया है, एकदम पानी सोख लिया है। अब इसको हम हल्का सा ऐसे स्प्रे हाथ से लगा देंगे ताकि इसका पानी देखिए निचुड़ गया है। अब इसको हम एक कटोरी में ऐसे रखेंगे। तो देखिए, हमने निचोड़ के पानी और एक प्लेट कटोरी में रख दिया है। अब इस पर हम दही डालेंगे। तो दही में इसमें हमने सब चीनी डाल दिया है। तो देखिए, हमने दही सब डाल दिया है। अब ऊपर से हम ये मीठी चटनी डाल रहे हैं। अब इसके बाद ये हरी चटनी डाल रहे हैं। इससे हमारा बहुत ही अच्छा दही वड़ा खाने में टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे ऊपर से। अब आपको हम सर्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमारा दही वड़ा कितना अच्छा और कितना स्पंजी बनके तैयार हुआ है। देखिए, ये खाने में कितना अच्छा, ये देखिए कितना गजब का। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और माय मीना होममेड को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।